और व्यू इतनी अच्छी आ रही है, आप तो पीछे देख सकते हो इतनी। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे हुई होंगे। हम लोग नीलकंठ की चढ़ाई कर रहे हैं और हम लोग जो है लगभग 11 से 12 किलोमीटर चढ़ चुके हैं। खड़ी चढ़ाई है पहाड़ पे। हम लोग लक्ष्मण झूला से पैदल चले थे और लक्ष्मण झूला के बाद हम यहाँ पर अभी आधे से अधिक चढ़ चुके हैं और चार किलोमीटर और भी है। अभी नीलकंठ की जो मंदिर है वहाँ पर अभी 4 किलोमीटर अभी यहाँ से और हैं। यहाँ पर थोड़ी देर हम लोग रेस्ट के लिए रुके हैं, बस यहाँ पर 10 से 5 मिनट रुकेंगे, इसके बाद फिर आगे बढ़ देखेंगे। और यहाँ का व्यू देखें कितना अच्छा, गजब का सुंदर। मन तो यही कर रहा है कि यहीं पर रह जाए, बट यहाँ पर रह नहीं सकते हैं। तो आपको ये व्यू कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। और इसमें कई सारे और भी मैं इस चैनल पे वीडियो अपलोड करूँगा, तो इस वीडियो में मेरा कैसा लगता है ज़रूर कमेंट कीजिएगा। देख रहे हैं यहाँ पर सीधी चढ़ाई है और बिल्कुल सीधी चढ़ाई, मतलब आदमी अगर एक बार में चाहे तो चढ़ नहीं सकता। हम लोग तो 4 घंटे से लगातार लगभग चढ़ रहे हैं, लगभग अभी तक में 12 से 13 किलोमीटर या 11 ऐसे ही होगा, मतलब एक अंदाज़ा ही लगा सकते, कोई नाम तो नहीं रहा है ना। तो इतना किलोमीटर चल चुके हैं। यहाँ का नज़ारा देखिए, बादल मतलब लगता है जैसे कि टच करने ही वाले हो यहाँ पर पहाड़ों को, और इतना माउंटेन। और हमारे साथ ही देख रहे हैं आगे, आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा। 2 मिनट रेस्ट करने के बाद फिर हम लोग आज भी बहुत परेशान कर रहे हैं, कभी कभी शुद्ध हिंदी भी बोल लिया जाना चाहिए ना। और अब ठंडी ठंडी हवा चल रही है, थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी क्योंकि बारिश हो रही है, भीगा भी गए हम लोग, और फिर भी पहले तो बारिश में भीग गए और इसके बाद पसीना इतना चला कि पसीना से मेरा कपड़े सूखा ही नहीं, चलते रहा। और व्यू इतनी अच्छी आ रही है, आप को पीछे देख सकते हो इतनी ज़बरदस्त व्यू, इतनी अच्छी। देख सकते हैं व्यू ज़बरदस्त आ रही होगी। और एक मेरा साथी जो है मनीष, वो आगे और चल चुका है। ये बहुत ही खड़ी चढ़ाई है, बहुत अच्छी भी है, बहुत ही अद्भुत नज़ारा आप देख सकते हैं यहाँ से कैसा नज़ारा दिख रहा है, इतना अच्छा कि दिलों से मतलब जुबान से बयान नहीं किया जा सकता है। हेलो दोस्तों, हम लोग बस नीलकंठ मंदिर के जस्ट कुछ कदम दूरी पे हैं और शायद मुझे यहाँ से 10 से 15 मिनट लगेंगे नीलकंठ महादेव मंदिर का दर्शन करने में। और मेरे पीछे जो वो ढाबा है वहीं पर आदमी ने बताया कि कुछ कदम दूरी पर ही महादेव का मंदिर है, वो दिख रहा होगा व्हाइट सा, कुछ दूरी पर वो मंदिर है वहीं पर। और यहाँ का व्यू इतना अच्छा है कि मन मोह लेने वाला व्यू है। और जैसे कि आसमां जो है गगन को, आसमां जो है धरती को चूम रहा हो बिल्कुल। तो हमारे साथ बने रहिए और भी नज़ारों का लुत्फ़ लीजिए और मंदिर का भी दर्शन कीजिए लास्ट तक इसी वीडियो में। और देख रहे हैं एक शानदार सा नज़ारा, इतना शानदार कि आपको शायद इस जगह से प्यार हो जाएगा और इस प्यार को आप कहीं भी रहिए देखने के लिए ज़रूर आइएगा। मुझे ऐसा ही लग रहा है शानदार नज़ारा को, बट मंदिर नीचे है जैसे कि आप बोर्ड में देख रहे होंगे, मंदिर नीचे की ओर है तो हम लोग नीचे की ओर ही जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं मंदिर नीचे की ओर, हम इसी मंदिर के नीचे की ओर जाएंगे यहाँ से। ये बहुत अच्छी जगह है, अब देख ही सकते हैं यहाँ का नज़ारा क्या है, सामने व्यू E1 का आ रहा है। बिल्कुल सीधा नीचे
हेलो दोस्तों, देख रहे हैं आप जबरदस्त सीन पहाड़ियों के बीच में। देख रहे हैं मनीष। यस गुरु जी, हेलो, हाउ आर यू? अब कैसा फील कर रहे हो? बहुत ही बेहतरीन फील कर रहा है, भोले बाबा की नगरी में आकर के। बस अब थोड़ा सी दो कदम की दूरी पे हैं हम। हाँ जी। और बीच बीच में एक खम्भे क्यों लगा रखे भाई? दिस खम्भा इज वेरी लाइन क्लियर, लाइन के लिए है। लाइन के लिए है, हो सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिछली बार जब हम लोग आए थे बहुत लंबी भीड़ थी और कम से कम 1 किलोमीटर की भीड़ थी, तो इतनी लंबी भीड़ अब की बार मुझे नहीं लगता कि देखने को मिलेगा। हो सकता है तो तुरंत जाए और तुरंत हो जाए, क्योंकि भीड़ तो बिल्कुल भी नहीं है। बस फंसा या रस्सी फंसाए जाते हैं, मोटे मोटे रस्सियाँ फंसी जाते हैं। और ये बहुत भोले बाबा के करीब पहुंचने वाले हैं, तो आगे की वीडियो में बने रहिए। और भी अच्छे अच्छे सीन अगर आएंगे तो उसको हम शूट जरूर करेंगे। और हमारे दो साथियों लगते पीछे रह गए हैं, वो भी आ जाएंगे, क्योंकि उससे हम बोल दिए थे आने के लिए। ये देख सकते हैं व्यू, तो हम लोग नीलकंठ महादेव मंदिर के जस्ट आसपास ही पहुंच चुके हैं और पूजा की थाली हम लोग लिए हैं, जाएंगे प्रसाद चढ़ाएंगे, जल चढ़ाएंगे, और इसके बाद हमारा और हमारे दोस्तों का इसके बाद जो नीलकंठ वाटरफॉल है उसमें नहाएंगे। तो शायद अंदर वीडियो बनाने की कोई इजाज़त नहीं, और हम पूजा करते वक्त वीडियो भी नहीं बनाएंगे, तो नहीं वही अच्छा होगा। तो हमारा जितना भी लगान था वो दूर हो चुके हैं। इसके बाद रात में स्टे करने का जो प्रोग्राम है वो ऋषिकेश में है, और देखते हैं ऋषिकेश में नाइट में क्या क्या हम बना पाते हैं वीडियो वगैरह। तो हमारे साथ बने रहिए, और नीलकंठ पूजा करने के बाद हम आपसे फिर वीडियो में मिलते हैं वाटरफॉल के साथ, वाटरफॉल में नहाते हुए। बॉडी दिखा रहा है अपने आप को, वो ऐसा बॉडी है नहीं जैसा होनी चाहिए थी। ये है पानी जो अंदर से आ रहे हैं, और मस्त का पानी दिख रहा होगा आप लोगों को। ये है मंदिर, आप लोग देख रहे हैं चारों तरफ से पहाड़ पहाड़ है, देख रहे हैं इधर पहाड़ है, पहाड़ है, और इधर पहाड़ होने के बाद फिर भी वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट।